न्यू फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन से बनेट। दोस्तों, ब्रिज कोर्स को लेकर के अपर मुख्य सचिव माननीय दीपक सर का बयान आया है। दोस्तों, दीपक सर का बयान आया हुआ है ब्रिज कोर्स को लेकर के, कब तक इसकी शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, हम लोग पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, ब्रिज कोर्स के लिए परेशान 9 नियुक्त बीए टीचर्स के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, आज ये खबरें आ रही है, आज 7 नवंबर को ये खबरें आ रही है दोस्तों, कि एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों 9 नियुक्त शिक्षकों को लेकर के। दोस्तों, पटना नाव के तरफ से बिहार में इस साल लगभग 43,000 प्राथमिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है। इसे बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीए डिग्री के साथ यह नौकरी हासिल की है। नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइन के लगभग 9 महीने हो गए हैं और अब तक ब्रिज कोर्स कराने को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया है, जिसकी वजह से शिक्षक परेशान हैं। संघर्षशील शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता राहुल झा ने कहा कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना और 6ठे चरण के लिए जारी विज्ञापन में बीएड योग्यताधारी को वर्ग 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माना गया है। अधिसूचना के मुताबिक ऐसे नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना होगा। उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति के 9 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसके संबंधित कोई भी अधिसूचना नहीं जारी होने से शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सरकार को इस संबंध में जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, अभिषेक चौबे, सुधीर कुमार, प्रीतिमाला ने सरकार से 9 नियुक्त शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का अनुरोध किया है। दोस्तों, क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव 9 नियुक्त शिक्षकों की इस समस्या को लेकर के? पटना नाव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से बात की। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीएड डिग्री वाले शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने के मामले को लेकर कहा है कि शिक्षा विभाग बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाला है। उन्होंने संभावना जताई है कि नए साल की शुरुआत जनवरी 2023 से बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की सुविधा शुरू हो सकती है। दोस्तों, अपर मुख्य सचिव माननीय दीपक कुमार सर का बड़ा बयान आया है दोस्तों ब्रिज कोर्स को लेकर के। उनका कहना है कि नए साल की शुरुआत जनवरी 2023 से बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की सुविधा शुरू हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सन से बने के साथ बने रहें। धन्यवाद।